सर कैसे इतना सटीक एनालिसिस दे देते हैं आप, कैसे क्रूड ऑयल का इतना सटीक एनालिसिस। 6,700 पे आपने बीरिश बोला था, 6,350 पे। सर क्या मतलब आपके पास कोई जादू की छड़ी है? तो गाइस जादू की छड़ी बड़ी कुछ नहीं होती है, ये सब होता है नॉलेज और स्किल्स के बलबूते पे। एवर सिंस आई स्टार्ट माई चैनल मैंने हमेशा सबको बोला है कि गाइस नॉलेज और स्किल, इसीलिए मैंने गाइस मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जहाँ पे मैं सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह बताता हूँ, कहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी होती है। वही स्ट्रैटेजीज हम लाइव मार्केट में भी इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम भाई प्रॉपर एजुकेट हो रहे नहीं हो रहे। दिस इज अजय, यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। अगर ऑल क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो के जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा ना, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूज पे तो आ जाते। देखो न्यूज ये आई है कि फेड मे नॉट बी डन विद इंटरेस्ट रेट हाइक। मतलब काफी लोग बात कर रहे थे मुझसे पूछ भी रहे थे गाइस कि क्या सर फेड हाइक बंद हो गई है? तो गाइस नहीं, फेड हाइक अभी भी बंद नहीं हुई है, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि आफ्टर इफेक्ट होता है। you know? आपने कभी ऐसा होगा ना, कुछ भी खाना खाते तो एक आफ्टर इफेक्ट होता है थ्रोट में। मिर्ची आपको जीभ पे नहीं लगती लेकिन गले में जाके लगती है, वही वाली चीज है गाइस जो फेड हाइक हुई है। अभी भी इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट हुआ है वो मार्केट में बड़ा बुरी तरीके से हुआ। तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 फेड हाइक तो होनी गाइस। और अगर फेड हाइक होती तो आपको पता ही स्लो डाउन होता है मार्केट, और ज्यादा बीरिश जाता है, सब कुछ स्लो डाउन होता है गाइस, ठीक है ना। तो ये न्यूज मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं सीधा आ जाता हूँ क्रूड ऑयल के चार्ट में। सर काफी लोग बोले सर जो हो गया सर हो गया, हमने तो मिस कर दिया, लेकिन सर आप अपना एनालिसिस बताइए। गाइस अगर आप मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। वहां पे सारी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी डिटेल में। गाइस चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो अभी 3.46 है और मंडे से मार्च की एक्सपायरी स्टार्ट है। सो लेट्स सी कि मार्च एक्सपायरी में क्या होता है। तो हम सीधा चलते हैं मार्च की एक्सपायरी में ही है अभी, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस। तो देखिए गाइज अगर आप मुझसे पूछे कन्विक्शन लेना मेरा, अगर ऐसे ही नॉर्मल कन्विक्शन, देखो क्योंकि जब मार्केट में इतना काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला। अगर आप मुझसे कन्विक्शन लेते हो, मैं बहुत ज्यादा बीरिश हूँ मार्केट में, अभी भी बहुत ज्यादा बीरिश हूँ। बट ध्यान रखिएगा गाइज, मैंने एक चीज बोली थी, रेंज बाउंड 6,100 से 6,700 के बीच में 2 महीने पहले बताई थी और वैसे ही चल रहा है मार्केट, राइट। तो वो भी ध्यान रखिएगा गाइज। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बोले तो 1 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है गाइस, 3 मंथ का चार्ट, 1 to 1 ईयर का चार्ट देखना गाइस। परफेक्शन इज और सक्सेस ऑफ की, यू नो, बिकॉज वो बहुत जरूरी है गाइस। देखिए यहाँ अगर गाइस अगर 6,000 मैं आपको बता देता हूँ, 6,000 अगर यहाँ से 280 से नीचे जाता है, वापस से रिपीट करता हूँ मैं एक बारी, 6,280 से नीचे जाता है तो गाइस बहुत नीचे जाएगा ये, ध्यान रखिए। 6,280 के नीचे जाता है तो ये पूरा ब्रेकआउट बन जाएगा और 6,280 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो सीधा गाइस 6,150 के आसपास होगा। तो 6,280 क्रिटिकल है। अगर कल 6,220 हो जाता है तो एक ब्रेकआउट बनेगा और फिर अगला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे वो रहेंगे 6,150 के आसपास, राइट। ऊपर की साइड अगर आप मुझसे पूछे तो 6,400 जरूर क्रॉस करना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरनेशनल मार्केट की गाइस। देखिए इंटरनेशनल मार्केट 76.33 मैंने पहले भी बोला है यहाँ पे डिटेल में गाइस। यहाँ पे वैसे तो 75 का बड़ा क्रिटिकल लेवल है गाइस, लेकिन अभी जो चार्ट दिखा रहा है मैं आपको चार्ट बताता हूँ। यहाँ पे तो चार्ट का है 75.5। अगर 75.5 को बीच करता है तो गाइस मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बीरिश मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मार्च एक्सपायरी में अगले 3-4 दिन के लिए, तो मैं काफी ज्यादा बीरिश हूँ यहाँ पे। ऊपर की साइड में जब तक 78 ब्रीच नहीं करता है, 77 ब्रीच नहीं करता, तब तक आपको किसी भी तरह की अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलता। अगर 77 ब्रीच करता तो डेफिनेटली 78.5 के लेवल, और नीचे अगर यहाँ 75.5 को ब्रीच करता, वैसे तो 7 है बट आप वोलेटिलिटी को मद्देनजर रखते 75.5 मान लीजिए, 75.5 के नीचे ब्रीच करता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत 73-74 मतलब बहुत नीचे के। और कन्विक्शनली मैं अगर मेरा जो एनालिसिस है, मेरी जो एजुकेशन है, उसके हिसाब से मैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा बेरिश हूँ क्रूड ऑयल पे गाइज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा गाइज, डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, व्हिच आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई ट्रेड करना तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं गाइस, ये नोट कर लीजिएगा। इसीलिए ध्यान से रिसर्च करके नॉलेज लेके ही ट्रेड करें, उससे बिना ट्रेड नहीं करें। मार्केट में कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज को ना फैलाएं, पहले उसकी जांचें परखें, आपको सही लगे वो न्यूज, उसी के बाद उसको मार्केट में आगे जाके फैलाएं। तो गाइस दिस इज माय कन्विक्शन। स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी यूज करेंगे गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पे, राइट। पहली स्ट्रैटेजी हो गई हमारी हेजिंग, फिर हो गई 50% मार्जिन स्ट्रैटेजी, 1% स्ट्रैटेजी, ओपन अप, गैप डाउन, गैप अप स्ट्रैटेजीज, यू नो एसआईपी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज गाइज, मल्टीपल हेजिंग। अब आप बोलोगे मल्टीपल हेजिंग क्या होता है? बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ मेरी ईजाद की हुई, मैं आपको बता देता हूँ गाइज, ठीक है ना। ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने अपने हिसाब से ईजाद की है, अपने हिसाब से ट्यून की है, क्योंकि मुझे किसी और की स्ट्रैटेजी उठा के नहीं करना है। और की स्ट्रैटेजी उठाऊंगा तो मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से ट्यून है, राइट। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे को मेरे हिसाब से कैसे स्ट्रैटेजी ट्यून करनी है, रिटेलर्स के हिसाब से कैसे ट्यून करनी, ताकि रिटेलर को फायदा हो। तो वो मैं मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में करता हूँ। आप मुझे ईमेल आईडी पे अप्रोच आप कर सकते हैं। विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।